देश में कल राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। लेकिन जीत की उम्मीद तो विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की थी, क्योंकि समीकरण के मुताबिक एनडीए से ज्यादा यूपीए का पलड़ा भारी था। लेकिन खेल कई पार्टियों ने अंत में बिगाड़ दिया, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं। राजभर ने यह ऐलान किया कि पार्टी एनडीए को समर्थन करेगी। अब आप देखिए, एक ओर उनका गठबंधन विपक्ष का समर्थन कर रहा है, दूसरी ओर अपने विरोधियों का वो समर्थन कर रहे हैं। यह आपको भारतीय राजनीति में ही देखने को मिल सकता है। लेकिन आज एनडीए ने उनके इस समर्थन का उनको तोहफा भी दे दिया। चलिए बताते हैं क्या मिला राजभर को। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उनके द्वारा वोट देने का तोहफे के तौर पर ये देखा जा रहा है। राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा कारणों से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। गुरुवार शाम को शासन के निर्देश पर सुरक्षा गाजीपुर पुलिस ने मुहैया करा दी। शासन के इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश के खिलाफ मुखर ओपी राजभर को राष्ट्रपति चुनावों में मतदान के बाद उसका फल मिला है। यहां आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति चुनावों में उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने जमकर क्रॉस वोटिंग की। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया था कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया। विपक्ष के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि 3 विधायकों के वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि साल 2022 में योगी सरकार की वापसी के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कल कहा था कि अखिलेश यादव अपने नवरत्नों से घिरे रहते हैं। अखिलेश यादव का एसी से बाहर नहीं निकलना आजमगढ़ उपचुनावों में हार का सबसे बड़ा कारण है। ओम प्रकाश राजभर ने सवालिया लहजे में कहा कि आप आजम खान की कही गई धूप से बाहर नहीं निकलने की बात पर सपा का कोई नेता कुछ कहेगा? बहरहाल, क्या इस तोहफे के बाद एक बार फिर से राजभर एनडीए के होने जा रहे हैं? क्योंकि अटकलों के बाजार में ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।